दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम रितिक, आप देख रहे हैं कुछ नया सीखो टेक। तो जैसे कि इंटरव्यू में देख ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो आज मैं बात करूँगा ओप्पो के फ़ोन के बारे में कि आप लोग किस टाइप से नोटिफिकेशन स्टेटस बार में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, जो कि सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को वाकिफ कराऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रोजाना ऐसे टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब करो और उस बेल का आइकन दबाना भूलो, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो की। एंड काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही, तो तो यार मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों का आवाज़ अच्छे से नहीं आई, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग स्टेटस बार, स्टेटस बार में तो कुछ चेंज नज़र नहीं आ रहा है मेरे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बैटरी परसेंटेज भी नहीं दिखा रहा है, एंड आप लोग नेटवर्क की स्पीड भी नहीं दिखा रहा है, एंड आप लोग यहाँ पे और भी कुछ नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं। तो अपन किस टाइप से आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, सबसे पहले जाना पड़ेगा आप लोग को सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा है नोटिफिकेशन है स्टेटस बार, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। यानी क्लिक करने के बाद कुछ आ जाता है इस टाइप का इंटरफेस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेटिंग दे देती है। जैसे बैटरी परसेंटेज का, बैटरी परसेंटेज अभी ऑन नहीं है, तो आप लोग इस पर ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो आपका बैटरी परसेंटेज है ऑन हो चुका है। सेव नेटवर्क स्पीड, तो सेव सो नेटवर्क स्पीड में क्या रहता है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग को जितनी स्पीड मिल रही है इंटरनेट से, उतनी स्पीड आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, एंड अपना डाटा भी ऑन कर लिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क स्पीड ऑटोमेटिकली नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। अब ये तो हो गई, एंड सो डाटा यूज़, सो डाटा यूज़ में क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे जैसे स्टेटस बार गिराएंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा सिम टू डाटा यूज टूडे 0.95 ME। तो आप लोगों को 24 आवर का दिखा देगा यहाँ पे कि आप लोगों ने 24 एक दिन में कितना है डाटा यूज़ करे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अलाउ ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन बार ऑन लॉक स्क्रीन, तो नोटिफिकेशन क्या रहेगा इसमें, जैसे लॉक स्क्रीन करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसको भी आप लोग ऑन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस यहाँ पे मिल जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो आप लोग शायद नहीं पता होगा इस वीडियो में, बट इस वीडियो में बता दिया मैंने आप लोग किस टाइप से नोटिफिकेशन में चेंजेस ला सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए यार, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय माता दी।